विजय नाहटा फाउंडेशन की ओर से आज नेरुल में सैकड़ों विद्यार्थियों को नोटबुक का वितरण किया गया। उप जिला प्रमुख गणपत शिलार आयोजित इस कार्यक्रम में उप नेता विजय नाहटा ने गुणवंत विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहर प्रमुख विजय माने, संजय भोसले, उप जिला प्रमुख मिलिंद राव समेत कई पदाधिकारी और पालक भी मौजूद रहे। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा की एक पहल से नई मुंबई के हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिल रही है। नेरुल में दिख रहे इस कार्यक्रम में आज 10वीं और 12वीं के गुणवंत विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया, जो इसका बड़ा सबूत है। उपनेता विजय नाहटा ने सैकड़ों छात्रों को नोटबुक देकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में शहर प्रमुख विजय माने, संजय भोसले, उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्य राव समेत तमाम पदाधिकारी और पालक मौजूद रहे। यहाँ वरिष्ठ जनों को छाते भी बांटे गए। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने इन सेवा उपक्रमों को जनता के नाम समर्पित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और बुजुर्गों का हौसला बना रहे, इसके लिए विजय नाहटा फाउंडेशन इस तरह के सेवा उपक्रम चला रहा है। संपूर्ण शहरामध्ये शिवसेना आणि विजय नाहटा फाउंडेशनच्या वतीने हजारो विद्यार्थ्यांना वह्यांचं वाटप आणि गिफ्टचं वाटप, सीनियर सिटीजनला छत्र्यांच्या वाटपाचे कार्यक्रम संपूर्ण शहरामध्ये चालू आहेत। या भागामध्ये फार गरज आहे म्हणून सारसुळे गावामध्ये माझे उपजिल्हा प्रमुख श्री शेलार साहेब, आमले साहेब, त्यांचे सर्व सहकारी यांनी या ठिकाणी सीनियर सिटीजनना छत्र्यांचं वाटप आणि मुलांना वह्यांचं वाटप आणि 12वी 10वी चांगल्या मार्क्स मिळालेल्या मुलांना गिफ्ट आणि वह्यांचं वाटप ठेवलं होतं, त्याच्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि आपण पाहिलं शेकडोच्या संख्येने मंडळी त्यांच्यावर प्रेम करणारी या कार्यक्रमासाठी आली होती, याच्यासाठी मुद्दाम आमचे उपजिल्हा प्रमुख गोडेकर साहेब असतील, मिलिंद सूर्यराव असतील, शहर प्रमुख विजय माने साहेब असतील, सगळेच पदाधिकारी शिवसेनेचे या संबंध अभियानामध्ये खूप उत्साहाने काम करतायत, लोकांची सेवा करतायत आणि लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद या सगळ्या मंडळींना मिळतोय। अशाच प्रकारे जनतेची सेवा त्यांनी करत राहावं एवढीच अपेक्षा। वही शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने वाशी के बाकलीवाल कॉलेज में भी भेंट दिया और मैनेजमेंट स्टडीज और एडवांस कोर्स में शिक्षण ले रहे छात्रों से संवाद साधा। संजय बाकलीवाल और सीमा बाकलीवाल द्वारा संचालित इस कॉलेज में विजय नाहटा ने नए दौर की जरूरत के अनुसार कोर्सेस उपलब्ध कराने पर संचालकों की सराहना की। उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। विशेषतः मला या ठिकाणी आणखी एका गोष्टीचं नमूद केलं पाहिजे की BA सिव्हिल सर्व्हिस हा एक जी ब्रँच आहे ती ब्रँच त्यांनी सुरू केलेली आणि त्याची कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनला जी मुलं बसतात त्यांना फार मोठी गरज आहे। पहिल्या दिवसापासून कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनची तयारी त्या कोर्समध्ये होती आणि 3 वर्षामध्ये मला असं वाटतं की मुलगा इतका तयार होईल की कुठली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन सहजपणे तो पार पाडू शकेल। कॉलेजचा आवार खूप छान आहे, सगळ्या वस्तू अतिशय व्यवस्थित आहे, या कॉलेजमध्ये शिस्त ही टॉप प्रायोरिटीची आहे। ॲट द सेम टाईम मुलांबरोबर एक प्रकारचं होमली वातावरण तयार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। सगळ्याच बाजूंनी मुलाची सर्वांगीण ज्याला विकास आपण म्हणतो तो करण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते या बाकलीवाल फॅमिलीनी केलं। सन्माननीय संजयजी बाकलीवाल असतील, सीमाजी असतील, यांचा मुलगा सम्यक असेल, हे पूर्ण वेळ या कामासाठी देतात, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। वही बाकलीवाल कॉलेज के संचालकों ने उपनेता विजय नाहटा के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। आज हमारी ये जो बाकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज है यहाँ पे हमारे जो बच्चे आज आए हैं इनका आज पहला दिन था इंडक्शन प्रोग्राम का, उसमें हमने सर को बुलाकर जो सर के सानिध्य में उन्होंने बच्चों को राह दिखाई वो बहुत उनके काम आएगी। और बच्चों की जो 3 साल की यहाँ जर्नी होती है हम पूरी कोशिश करते हैं उनको ना वो सब कुछ दें जो उनको आगे एक सक्सेसफुल नागरिक और एक समाज के लिए एक अच्छा वो कुछ कर सके। वो नाहटा सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, रीज़न बीइंग कि वो खुद एक एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर रहे हैं, आज समाज में इतने नेक वो काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है वाव IAS ऑफिसर, वाव इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर, पर वो जर्नी इतनी आसान नहीं होती। कैसे वो भी एक छोटे से स्कूल से पढ़कर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है, जो उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में बच्चों को समझाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।